દમણ પોલીસે દિલ્હીથી ભાગી આવેલા 17 વર્ષીય કિશોરનું તેના માતા પિતા સાથે હેમખેમ પરત સોંપી મિલન કરાવતા લાગણીસભર દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. દિલ્હીના કરવાલ નગર ખાતે રહેતા 17 વર્ષીય કિશોર યશવીર જગવીરસિંહ 3 દિવસ પહેલા તેના ઘરેથી ભાગીને જયપુર, રાજસ્થાન અને પાકિસ્તાનની બોર્ડર સુધી જઈ આવ્યા બાદ તે દમણ ખાતે પહોંચ્યો હતો. આ અરસામાં રાત્રિ દરમિયાન પેટ્રોલિંગમાં નીકળેલ દમણ પોલીસે દરિયા કિનારે ગુમસુમ હાલતમાં બેઠેલા કિશોરને યશવીરને જોતા તેની પૂછપરછ કર્યા બાદ પોલીસ સ્ટેશને લઈ આવ્યા હતા, જ્યાં પીઆઈ સોહિલ જીવાણીએ તેની વધુ પૂછપરછ કરતા તે ઘરેથી ભાગી આવ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું. પોલીસે દિલ્હી ખાતે રહેતા તેના માતા પિતાને ફોન કરીને જાણ કરતા તેઓ દમણ ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા, જ્યાં પોલીસે માતા પિતાને પુત્ર યશવીરનો કબજો સોંપતા લાગણીસભર દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. मेरा बेटा 19 तारीख को दोपहर से लापता हो गया था. फिर हम लोग उसे अपने हिसाब से ढूंढ रहे थे दिल्ली में. उसके बाद 20 की रात को दमन पुलिस का फ़ोन आया मेरे पास कि उनका बेटा हमारे हमने ढूंढ लिया है, मिल गया है, हमारे पास है. अब मैं अपने बेटे को लेने आया हुआ हूँ यहाँ पे ढूंढने के लिए. दमन पुलिस का बहुत धन्यवाद है, मैंने मेरे बेटे को ढूंढा. हाँ, पहले मेरा बेटा 2 बार जा चुका है, लेकिन कुछ दिन में या 5-6 घंटे के अंदर ही मिल जाता था. थोड़ी उसकी दिमाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है माइंड में उसके. आखिर घर से क्या बोल के निकले थे? घर से कुछ कुछ नहीं. और यहाँ पहुँचे कैसे? ट्रेन से. ट्रेन से, यानी कहाँ से ट्रेन कहाँ से पकड़ी आपने? दमन कैसे पहुंचे ऐसे? 20 तारीख को रात को जमपुर मोटी दमन इलाके में हमारे स्टाफ पेट्रोलिंग कर रहे थे. उस टाइम पे एक 15 साल का लड़का हमें वहां पर दिखाई दे रहा था. तो उसको उसके पास जाके हमने उसकी पूछताछ की कि आप कहां से आए और कहां अभी यहां क्यों है. तो उस तरह से पूछते हुए उसको फिर थोड़ा सा घबराया हुआ था. और उसके बाद उसने बताया कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और दिल्ली से मैं आया हुआ हूँ. तो उसके पास सारी जानकारी लेके हम लोग फिर उसको थाने पे लेके आए और हमने उनको पूछताछ करके बाद में उसके माता पिता का पता किया. और जो पुलिस स्टेशन के अंदर ये इसका घर आता है, उस पुलिस स्टेशन के पुलिस स्टेशन इंचार्ज SHO को हमने उनका भी पता किया और उनके मोबाइल नंबर पे वहाँ के पुलिस स्टेशन पर बात भी की और वहाँ के इलाके के जो भी वहाँ के ऑफिसर्स हैं उसके साथ बात की. और फाइनली फिर हमें उसके माँ बाप का हमको पता चल गया और हमने उसके माँ बाप के साथ भी बात की. और उनके माँ बाप यहाँ पर आज रोज दिल्ली से यहाँ दमन आए हुए हैं. और उस दमन आने के बाद उसके माँ बाप को ये लड़के को हमने मिलवाया है. अब दमन पुलिस में ऑलरेडी हमारे माननीय जो DIG साहब है, SP साहब और SDPO साहब हैं, उनके मार्गदर्शन में अगर कोई ऐसी खबर आती है कि बच्चा घूमे या बच्चे कहीं चले गए या कोई भी खबर आती है तो हम उसके ऊपर तुरंत जो भी एज पर लो FIR दर्ज करना होता है तो FIR दर्ज करते हैं, या मिसिंग दर्ज करना है तो मिसिंग दर्ज करते हैं. और उस तरीके से हम कार्यवाही करके हमारी दो तीन टीम जल्दी से जल्दी हम लगा देते हैं उसके ऊपर, ताकि जो लोगों का बच्चा गायब हो जाता है उनको तुरंत उसके माँ बाप तक पहुंचाने की कोशिश पूरी करते हैं. और हमने दमन की पुलिस में काफी बार काफी बच्चों को हमने उनके माँ बाप को मिलवाया है और आगे भी इसी तरह से कार्यवाही करते रहेंगे. उसका कोई अंगत कारण होता है, कुछ चीज ऐसी होती है जो उसमें हमारे यहाँ पर CWC करके एक डिपार्टमेंट भी है, उनसे हम काउंसिलिंग भी कराते हैं. और बच्चे को किसी भी तरह की परेशानी हो या होती है तो उनको समझाया जाता है और उसको काउंसलिंग भी की जाती है, ताकि ये बच्चा इस तरह से वारदात ना करे और इस तरह से आगे की कार्यवाही भी जारी रखते हैं. फिलहाल मैं एग्जैक्ट आपको बता नहीं पाऊंगा कि कितने बच्चे को हमने मिलवाया, लेकिन काफी सारे बच्चे को मिलवाया है. और पुलिस ऑलमोस्ट उनके उस कार्य में तत्पर रहती है, इतना ही आपको.